माना के बहुत साल बाहर रहा हूँ, लेकिन इतना अभी भी जानता हूँ कि शाम होते ही सिग्नल्स पे गजरे वाले मिल जाते हैं। नियत होनी चाहिए, बस ये मेरी तुमसे पहली फरमाइश है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर गमला ले दूँ? खफा हो गई? अच्छा, जवाब भी नहीं दूंगी, देखूंगी भी नहीं। अच्छा, एक आइडिया, रात तक सड़कों पर फिरते हैं और फिर गजरे गजरे। लेकिन दादी अपनी दवाई का इंतजार कर रही होंगी ना? ओके, तो यू डिसाइड, घर के गजरे? नहीं, दादी की दवाई है। अब आपा ने तुम्हें जिम्मेदारी सौंप दी है जासूसी करने की, भागो यहाँ से वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आप बात किस तरह कर रही है मुझसे? मेरा घर है, जहाँ दिल चाहेगा वहीं खड़ी होंगी, देखती हूँ कौन हटाता है मुझे यहाँ से। अम्मी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तुम्हारा घर है ना, तो इधर ही खड़ी मिल रहा हूँ, आगे मत आना। अम्मी आप चले ना मेरे से। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, बैठो बैठो। अम्मी मैं कैसे कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने को। प्लीज, आप एक ही बात को बार बार मत दोहराइए। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि मैं उस सिचुएशन में इनको अकेला छोड़कर चला जाता। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। समीनी बता रही थी कुछ देर पहले ही उनका इंतकाल हुआ है, क्या हुआ जी? हमारा साथ यहीं तक था बरखुरदार, वैसे भी अब तुम कोई लाचार यतीम बच्चे नहीं रहे, जिसे मैं खौफ खुदा में घर लेकर आया था। अपना बंदोबस्त कर लो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। तुमसे मोहब्बत मांगी, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया उसके साथ। घर से बेघर हो गया मैं, मेरी माँ सदमे में आकर बिस्तर से लग गया। I'm so sorry, खुर्रम, मुझे पता है कि आपकी अम्मी के बारे में बात करना आपको कितनी तकलीफ देता है, इनकी तरफ से मैं माजरत करती हूँ। नहीं नहीं प्लीज, आप क्यों सॉरी कर रही हैं? सिर्फ मैं अम्मी के साथ साथ और भी बहुत कुछ याद आ गया था। माँ भला भलाई जा सकती है, माँ के साथ वो हजारों बातें और हर बात के हजारों पहलू। हेलो, ओह आई एम सो सॉरी यार, मेरे जहन से निकल गया था। मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है ना? मैं निकलता हूँ। अरे अरे, खड़े क्यों हो गए, बैठो ना। सॉरी, मुझे कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है, मेरा दोस्त वेट कर रहा है। तो अपने दोस्त को कहो थोड़ा वेट कर ले, मैं तुम्हें सूखे मुंह तो नहीं जाने दे सकती। बस 2 मिनट दो, मैं चाय लेके आती हूँ। अम्मी बिल्कुल ठीक बात कह रही है, ज्यादती कर रहे हैं आप। नहीं, मैं जरूर रुक जाता, लेकिन मुझे जॉब के सिलसिले में कहीं पहुंचना है। आप समझ रही हैं ना, इट्स इम्पोर्टेंट। ओह आई सी, फिर तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और तरक्की दे। जी आई, मैं आपको छोड़ा गेट तक। जी, खुदा हाफिज़। आप ऐसा करें कि यहीं से राइड बुक करा लें, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसा कर लेते हैं।
अरे क्या बदतमीजी है, पीछे हटो, देखने भी मैं दुआ मांग रही हूँ। आपको तो दुआ मांगनी नहीं आती, चची जान से पूछे तरीका, उनकी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। क्या अलफाल बक रही हो, कौन सी दुआएं? समीन के अच्छे मुस्तकबिल की दुआ, प्यारा सा दूल्हा आया है उसके साथ। दूल्हा? जी, समीन नीचे किसी लड़के से मिलवाने लाई है चची को, बिल्कुल वैसी जैसे फिल्मों में लाती हैं लड़कियां। क्या बक रही हो, कोई क्लास फेलो होगा? वाह जी, आज से पहले तो ना आया कोई क्लास फेलो। और सुनिए, चची ने मुझे धक्के मार के कमरे से बाहर निकाले, अब बोले चल। See you soon. See you soon. ओह, मैंने ठीक ही सोचा था, हम पर नजर रखने के लिए अपनी बेटी को ये मिशन सौंपा है। अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रही है? मैं तो बस जा रही हूँ। क्या आखिर कौन है? क्या देख रही हैं आप? कौन आया था? कौन था, कहाँ जा रहा है, क्यों आया था, इससे आपको कोई मतलब नहीं है ताईसा। जाने छोड़वा लो। अच्छा, लड़की पे ही बस चलता, आसमान से तारे तोड़कर लाने के दावे करने वाला, कचरे तो ना लेके दे सकता। तारों के लिए भी मगरब तो होनी पड़ेगी, इसके बाद ही निकलते। साफ साफ बोलो कि अभी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल इस फूल से काम चला लो। इस फूल से? अच्छा देखो, छोड़ अच्छा है, लेकिन इस फूल में तो कांटा है। हाला, हाला। कांटा था नहीं है, तुम्हारी इस फूलों भरी सेज में हुर्रम नाम का कांटा है जो तुम्हें किसी करवट चैन नहीं लेने देगा। हाला नफीस रहमत। रब से जिसको मांगा, दुआ से लाए।